जा रहा है सामने, जो कह दिया वो कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, सब ये काम चल रहा है। साहब सुविधा छोड़ना नहीं चाहते, अब चाहे इसके लिए जनता के पैसों की बर्बादी हो या फिर कर्मचारियों का शोषण। ट्रेड आरक्षक प्रमोशन से सब इंस्पेक्टर तक बन गए, लेकिन 70,000 रुपए की तनख्वाह लेकर झाड़ू पोछा ही करते रह गए। जिस शहर में लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस वाले न मिले, वहाँ पर अफसर के घर तरकारी लाने के लिए अगर वर्दीधारी तैनात हो तो इसे और कुछ भी कह लीजिए लोकतंत्र नहीं। अनुराग द्वारी बताते हैं कि हमारे आपके लिए बजट का रोना रोने वाली सरकार अफसरों के ऐशो आराम पर करोड़ों रुपए कैसे खर्च करती है। एक एक अफसर के घर पर 10 से 12 सिपाही तैनात, 3-3 शिफ्ट में काम करने वाले हैं। बंगले पे जा रहे हैं सामने, जो कह दिया वो कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कोई खाना बना रहा है, कुछ कपड़े धो रहा है, सब ये काम चलता है। बहुत बुरा लगता है, बुरा ही लगता है, अगर अच्छा लगता हो तो हम कभी नहीं करते। हमारे साथ में जो बढ़ती हुआ है वो भी हमसे दुर्व्यवहार करता है, चाहे 10 साल हो जाए या 15 साल हो जाए या 20 साल हो जाए, उसी में रहेंगे, चाहे स्टार लग जाए, जो काम कर रहे हैं, जैसे कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, तो उसी में रहेंगे। ये मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मी हैं, कहते हैं अफसरों की फौज इनके हक पर डाका डाले बैठी है। सरकारी परिभाषा में ये ट्रेड आरक्षक हैं, जो मैदानी ड्यूटी नहीं बल्कि साहब के बंगले पर झाड़ू पोछा, सब्जी भाजी लाने जैसे काम कर रहे हैं। इनकी तादाद एक दो नहीं बल्कि हजारों में है। 17 में भर्ती हुआ, आज इतना परेशान हूँ मैं ही समझ सकता हूँ। हमारे साथ का जो भर्ती हुआ है वो भी हमसे दुर्व्यवहार करता है। अभी क्या सर, बंगले पे जा रहे हैं सामने, जो कह दिया वो कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई कपड़े धो रहा है। चपरासी भी अगर कहीं भर्ती होता है उसका क्या प्रमोशन होके बाबू का काम दिया, लेकिन इधर पुलिस विभाग में बस आप जिस पद पे भर्ती हुए हैं वही काम, चाहे स्टार लग जाए चाहे बिना स्टार के। ये ट्रेड जैसे धोबी मोची को बाटा कैरियर, इनका अलग अलग अपना काम रहता है, तो ये इसमें भर्ती होती है 5 वर्ष बाद जीडी में निकल जाती थी। अगर ये स्टार लगा लेंगे तो भी हम खाना बनाएंगे, तो इससे अगर जीओपी चेंज हो जाएगी सर, तो फिर हम लोग जीडी में आ जाएंगे और फील्ड की नौकरी करने लगेंगे, उस जगह पर हम लोगों की जगह पर दूसरा आदमी भर्ती हो जाता है। 5 साल का प्रावधान था कि इसमें 5 साल बिताने के बाद उसको जीडी में कन्वर्ट किया जाता, पर 2013 में वो जीओपी बंद कर दी गई। अब हम बार बार मतलब ये प्रक्रिया चालू करवाने के लिए माननीय गृहमंत्री जी के यहाँ मतलब निवेदन कर रहे हैं। खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, तो वही समस्या, 10-10 साल 15-15 साल की नौकरी हो जाती है, पर हमारा कोई परिवर्तन नहीं। एक नगर निगम था चपरासी भी, उसके 5-10 साल बाद उसको चेंज कर दिया, पर पुलिस विभाग में ये प्रावधान बंद कर दिया जाएगा। वो जैसा काम कर रहा है 17 साल से वही काम कर रहे हैं, मोहल्ले में गली में सब हीन भावना वही लगी, कोई चेंजेस नहीं, जो काम पहले कर रहे थे 2006 में वही आज 2022 में। 4,000 से ज़्यादा ये ट्रेड आरक्षक प्रदेश के गृह मंत्री, डीजीपी, एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसपी, एसएसपी, सीएसपी से लेकर आरआई तक के बंगलों पर झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, माली जैसे दूसरे काम कर रहे हैं। पहले 5 साल की नौकरी के बाद इन्हें जनरल ड्यूटी में भेजा जाता था, लेकिन 2013 में इसे बंद कर दिया गया। ट्रेड आरक्षक प्रमोशन से सब इंस्पेक्टर तक बन गए, लेकिन 70,000 रुपए की तनख्वाह लेकर झाड़ू पोछा ही करते रह गए। अब समझिए अफसरों का आराम सरकारी तिजोरी पर कैसे भारी है। मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों को 13 महीने का वेतन मिलता है। अब अगर इन 4076 कर्मचारियों का औसत वेतन 45,000 रुपए मान लें, तो एक महीने का खर्च बैठता है 18,34,20,000, यानी 13 महीने का 238,44,60,000 रुपए। अब जरा सोचिए, ये काम कलेक्टर रेट पर 9,000 से 10,000 रुपए प्रति महीने का है, यानी बगैर वर्दी महीने का खर्च 3,60,00,000 रुपए और साल भर का लगभग 43,00,00,000, यानी 200,00,00,000 रुपए का अंतर। वैसे हर मामले में जवाब देने वाले गृह मंत्री इस सवाल का जवाब देने से बचते दिखे, तो वहीं विपक्ष की मांग है कि सरकार इनका शोषण बंद करे। कई ऐसे अधिकारी हैं जो रिटायरमेंट इनको 10-10 वर्ष हो चुके, लेकिन आज भी 5-5, 7-7 पुलिस के अधिकारी सुरक्षा में लगे हैं, सिपाही और के साथ ही साथ हरदली भी लगे हुए हैं। हमारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मांग है कि इस बात की समीक्षा करें और इस प्रकार के अनैतिक जो कार्रवाई गरीब और शोषित कर्मचारियों के साथ हो रही है, उनका शोषण बंद कराएं। मध्य प्रदेश में
एक लाख की आबादी पर लगभग 700 पुलिस वाले हैं, 20,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की कमी है। गृह मंत्री ने मार्च में ही पुलिस महकमे को इस बारे में खत लिखा था, लेकिन अब तक जवाब नहीं आया है। साहब सुविधा छोड़ना नहीं चाहते, अब चाहे इसके लिए जनता के पैसों की बर्बादी हो या फिर कर्मचारियों का शोषण। मुझे कई सूत्रों ने ऐसे रजिस्टर भेजे जिससे देखकर पता लगता है कि तीन तीन पालियों में एक एक अफसरों के यहाँ 30 से 40 कर्मचारियों तक की तैनाती हुई है। जिस शहर में लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस वाले न मिले, वहाँ पर अफसर के घर तरकारी लाने के लिए अगर वर्दीधारी तैनात हो तो इसे और कुछ भी कह लीजिए, लोकतंत्र नहीं।